नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माई कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास में अपन पढ़ेंगे सेप्स और स्मार्ट आर्ट के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेप्स की। यदि आपको सेप चाहिए यहाँ पे किसी प्रकार का, इनमें से किसी प्रकार का सेप चाहिए आपको, गोल, आयताकार, जैसा भी आपको सेप चाहिए, इनमें से तीर वाला है सेप, ये बहुत सारे सेप है यहाँ पर, इनमें से कोई सी सेप आपको चाहिए तो यहाँ पर आप सेप इंसर्ट करा सकते हैं। और यदि आपको शेप को छोटा बड़ा करना हो, या शेप के अंदर आपको नाम लिखना हो, शेप के अंदर आपको कलर डालना हो, शेप के अंदर पिक्चर डालनी हो, या शेप की आउटलाइन कम ज़्यादा करनी हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर अपन आज की क्लास अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर शेप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी शेप चाहिए आपको, यहाँ से आप ले सकते हो, जैसी भी आकृति में आपको शेप चाहिए यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। बाद में भी आप इंसर्ट चेंज कर सकते हो शेप के अंदर, बाद में आप शेप चेंज करना चाहो तो बाद में भी चेंज कर सकते हो। एक बार लेने के बाद में आप चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आप चेंज सेव भी कर सकते हो, यहीं पे चेंज हो जाएगा। आप फॉर्मेटिंग करने के बाद में भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेव बनाया तो यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर ड्राइंग टूल्स का, क्योंकि अपन ने पिक्चर सेलेक्ट कर रखा है अभी सेव को। यदि आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सेव सेलेक्ट नहीं रहेगा, और सेव सेलेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऊपर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर अपन जैसे अपन सेव को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ड्राइंग टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप यहाँ शेप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करनी हो यहाँ से आप कर सकते हो। अब यहाँ से अपने शेप को सेलेक्ट कर रखा है, और सेलेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तीर का जो एरो होता है, हमेशा पिक्चर हो या शेप हो, स्मार्ट आर्ट हो, चार्ट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर छोटा बड़ा करने का काम ये आता है एरो। टेबल हो, ये जो तीर का एरो है, यहाँ से छोटा बड़ा जहाँ से भी करना चाहो आप, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, वहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो एरो से। तो ये तीर का एरो जो है हमेशा छोटा या बड़ा करने का काम आता है, सेप, पिक्चर, क्लिप आर्ट, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, सारे को ये सेप ये जो एरो आता है हमें छोटा बड़ा करने काम आता है। और ये जो प्लस का एरो आता है, ये हमेशा सेप इन सब चीज़ों को, जो सभी मैंने नाम बताया अभी, पिक्चर्स, सेप्स, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सभी को मूव करने काम ये वाला एरो आता है, प्लस वाला एरो। और ये जो ग्रीन वाला जो एरो है ऊपर, ये हमेशा रोटेट करने काम आता है। अब आपको इनको रोटेट करना हो तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, और रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। फिर रोटेट पे क्लिक किया और यहाँ से आप जैसा भी रोटेट करना चाहो वैसे आप रोटेट कर सकते हो। वर्टिकल करना हो तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करना हो तो हॉरिजॉन्टल, जैसे भी रोटेट करना चाहो वैसे रोटेट कर सकते हो। तो ये यहाँ से भी ऑप्शन है रोटेट करने का, और यहाँ से भी है। और यदि आपको यहाँ पर शेप फिल करना हो, शेप के अंदर आपको कलर वगैरह डालने हो, या शेप के अंदर पिक्चर भी ऐड करनी हो, तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है, सेफ फिल यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी जो सेफ फिल है ये यहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी आप सेफ फिल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ ताकि ये सेफ फिल इजी से आपको दिख पाए, इजीली भी आप यहाँ, ये तो पहले से ऑलरेडी दे रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कोई सा भी सेफ ले सकते हो, इनमें से सेफ फिल कर सकते हो यहाँ से। और यदि आपको यहाँ से नहीं करना हो तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेफ फिल, यहाँ से आप सेफ फिल कर सकते हो, यहाँ से आप जैसा कलर लेना चाहो वैसा कलर ले सकते हो बाहर से। यहाँ से ये कलर का ऑप्शन है इतने सारे, यदि ये कलर कम है तो मोर कलर, मोर फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कलर फिल भी कर सकते हो, जैसे भी कलर फिल करना चाहो यहाँ से भी आप कलर फिल कर सकते हो। ये रिसेंट कलर में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो भी आप कलर लोगे मोर कलर से वो रिसेंट कलर पर आ जाएगा, बार बार आपको मोर कलर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ रिसेंट कलर में बाहर ही आ जाएगा यहाँ पर। और यदि आपको कलर नहीं चाहिए तो नो फिल का ऑप्शन आ रहा है, नो फिल भी कर सकते हो कलर नहीं चाहिए आपको। तो ये तो बात हो गई कलर की, यदि आपको शेप के अंदर कलर डालना हो तो, और यदि आपको शेप के अंदर कलर नहीं डालना हो और भी ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, जैसे पिक्चर डालनी हो तो पिक्चर भी डाल सकते हो। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, ये पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। तो पिक्चर अपन पिछली क्लास में देखा था पिक्चर कैसे इंसर्ट करानी है, आपको जो भी फोल्डर है उसको ओपन कर लो जहाँ पे अपनी पिक्चर रख रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में नहीं रख रखी है, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, केवल मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है पिक्चर वाला, तो यही भी पिक्चर मैंने सारी ऐड कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो, जैसे पिक्चर आपको इंसर्ट करानी हो, जैसे कि मेरी ये पिक्चर इंसर्ट करानी है तो मैं यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। और आप छोटा बड़ा करेंगे अपन शेप, तो इस शेप के अंदर पिक्चर फिल हो गई, आप वो कर सकते हो आराम से, पिक्चर को जहाँ भी मूव करना चाहो वो कर सकते हो। ये शेप था, और शेप के अंदर अपन ने कलर फिल नहीं किया और पिक्चर फिल कर दी। इसी प्रकार से यदि आपको किसी का फोटो फिल करना हो यहाँ पे तो फोटो भी फिल कर सकते हो, जैसे कि छोटे साइज में आपको पिक्चर आपको फिल करनी हो यहाँ पे तो आप पिक्चर फिल कर, रिज्यूम बना रहे हैं अपन, और रिज्यूम के अंदर आपको यहाँ पे फोटो लगानी हो तो आप रिज्यूम के अंदर यहाँ फोटो भी लगा सकते हो, यहाँ पर डेटा हो गया आपके। और यहाँ पर अगर आप रिज्यूम के अंदर
आप फोटो सेट करना चाहो यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे भी आप पासपोर्ट साइज में फोटो सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो, पिक्चर का ऑप्शन है। और जहाँ भी आपने अपनी पिक्चर रख रखी है वो यहाँ से आप ले सकते हो पिक्चर के अंदर से, और यहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, जैसे पिक्चर ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जहाँ भी आपने पिक्चर रख रखी है वो आपने पिक्चर सेलेक्ट किया और इंसर्ट करोगे तो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने ले रखी है पहले से यहाँ पर रख रखी है, अब खुद की पिक्चर तो यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हो, ऑप्शन ये रहेगा पिक्चर वाला ऑप्शन है। और यदि आपको ग्रेडिट करना हो यहाँ से, आपको अगर अलग अलग डिज़ाइन चेंज करनी हो इनका, आप चेंज भी कर सकते हो, ग्रेडिट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, आप चेंज कर सकते हो जैसे भी चेंज करना चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ से आपने। और कलर ऊपर से चेंज करना चाहो तो आप ऊपर से कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, तो जैसे भी आपको यहाँ पर चाहिए वैसा आप ले सकते हो। और यदि आपको ये वाला ऑप्शन पिक्चर भी नहीं चाहिए ग्रेडिट भी नहीं चाहिए तो टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है, टेक्सचर भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे भी टेक्सचर ऐड करना चाहो वैसे आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसको इधर मूव कर देते हैं, फिर यहाँ पर ये अच्छे से शो हो जाएगा, ये सारे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो टेक्सचर भी, ये इतने सारे टेक्सचर हैं इनमें से आप फिल कर सकते हो। और यदि आपको ये टेक्सचर भी नहीं चाहिए तो पैटर्न वाला ऑप्शन भी आ रहा है, यदि आपको पैटर्न ऐड करने हो तो पैटर्न भी ऐड कर सकते हो, इतने सारे पैटर्न हैं इनमें से जो पैटर्न ऐड करना चाहो वैसे पैटर्न ऐड कर सकते हो। तो सेव फील्ड के अंदर आप कलर डाल सकते हो, यहाँ से कलर जो ऐड करना चाहो कलर ऐड कर सकते हो, यदि आपको पिक्चर इंसर्ट करानी है यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हो, फिल पिक्चर फिल कर सकते हो आप, ग्रेनिट कर सकते हो यहाँ पर, टेक्स्चर लगा सकते हो, और पैटर्न वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो सेव फील्ड के अंदर इतने सारे ऑप्शन है। फिर सेव आउटलाइन, यदि आपको इसकी आउटलाइन चेंज करनी हो, जैसे अभी आउटलाइन बहुत छोटी आ रही है, यदि आपको इसकी आउटलाइन बढ़ानी हो घटानी हो तो आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो यहाँ पर, सेव आउट ये आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, विड्थ बढ़ानी हो तो विड्थ बढ़ा सकते हो, ये यहाँ से अपन ने इसकी साइज बढ़ा दी जैसे कि। फिर यदि आपको यहाँ पर इसकी कलर चेंज करना हो तो यहाँ से ऊपर से आप कलर डिसाइड कर सकते हो, जैसे कलर लेना हो वैसा ले सकते हो। सेव का आउटलाइन का कलर चेंज करना हो यहाँ से, विड्थ इसकी साइज बढ़ानी हो कम करनी हो ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर यदि आपको सेव की आउटलाइन जो है ये जो बॉर्डर है इसको अगर आप डैश डैश में करनी हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर, इसका आउटलाइन भी बोल सकते हैं और बॉर्डर बोल सकते हैं, तो आप जैसे भी आप इसको रखना चाहो रख सकते हो। और आपको अगर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन आ रही, आउटलाइन हटा भी सकते हो आप यहाँ से। तो कलर डालना हो सेव के अंदर तो सेव फिल का ऑप्शन, और यदि आपको सेव का आउटलाइन का कलर चेंज करना हो तो ये आउटलाइन कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हो आप, इसकी साइज बड़ी कर छोटी बड़ी कर सकते हो, साइज को डैश 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 में कर सकते हो यहाँ से, जैसे भी आप आउटलाइन करना चाहो वैसे कर सकते हो। और यदि आपने शेप बनाया और ये आपको पसंद नहीं आ रहा तो चेंज शेप भी कर सकते हो बाद में भी, यहाँ से जैसा भी आप शेप लेना चाहो वैसे आप शेप ले सकते हो। ये चेंज शेप के अंदर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप शेप चेंज भी कर सकते हो, बाद में भी आप इनमें जो ऑप्शन यूज में लेना चाहो वैसे आप यहाँ से ले सकते हो। ये बना दिया जैसे कि अपन ने यहाँ पर शेप ये ले लिया, हार्ट वाला ले लिया, अब बाद में भी आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो जैसे पिक्चर आप डालना चाहो यहाँ इसके अंदर तो पिक्चर ऐड कर सकते हो, जैसे भी आप पिक्चर ऐड करना चाहो वो बाद में भी ऐड कर सकते हो, तो फॉर्मेटिंग तो आप जब भी चाहो कर सकते हो यहाँ से। यदि आपको शेप के अंदर फिल करना हो कोई कलर पिक्चर या आपको टेक्सचर ऐड करना हो टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो, आउटलाइन चेंज करनी तो आउटलाइन चेंज कर सकते हो यहाँ से, कलर उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, और शेप भी चेंज करना हो तो यहाँ पर चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से। और यदि आपको इसका शेडो इफेक्ट चेंज करना हो तो शेडो इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे भी इफेक्ट डालना हो जैसे कि यहाँ पर शेडो आ गई इसकी छाँव छाया आ गई पीछे की साइड में, ये शेडो जैसे भी आपको शेडो ऐड करनी हो वो आप शेडो ऐड कर सकते हो। और यदि आपको चाहते हो कि ये शेडो कलर चेंज हो जाए, जैसे कि अभी ब्लैक कलर में आ रहा है और ये आपको शेडो कलर चेंज करना हो तो शेडो कलर भी चेंज हो सकते हैं अपन, यहाँ पर शेडो का कलर का ऑप्शन आ रहा है शेडो का, और यहाँ पर शेडो कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं, जब भी आप यहाँ कलर शेयर करना चाहो वैसे आप कलर शेयर कर सकते हो। तो ये शेडो इफेक्ट, यहाँ से आप इफेक्ट चेंज कर सकते हो। और यदि आपको शेडो को यदि यहाँ पर अपन ने कलर चेंज करके देखा कि यहाँ से कलर का अपन यहाँ पर जैसे भी ये शेडो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, पहले पहले आपको शेडो सेलेक्ट करनी है जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ से फिर आप यहाँ पर शेडो कलर चेंज कर सकते हो। और यदि आपको शेडो का कलर यहाँ पर जो साइज है कम ज़्यादा करनी हो, जैसे अभी हार्ट आया है शेडो के डिज़ाइन में तो आप इसको कम ज़्यादा करना हो आपको शेडो, तो आप शेडो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इधर साइड में लेना हो आपको, लेफ्ट ज़्यादा लेना हो राइट में करना हो वापस, तो आप जैसे भी करना हो वैसे आप कर सकते हो, बॉटम में करना हो, ये चारों ऑप्शन है, तो आपको इसको जैसे भी सेट करना चाहो वैसे सेट कर सकते हो। 3D इफेक्ट डालना चाहते हो तो 3D इफेक्ट भी डाल सकते हो,
3D का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये 3D इफेक्ट में डाल सकते हैं अपन, और 3D इफेक्ट में भी कलर चेंज कर सकते हैं। 3D इफेक्ट में जैसे भी कलर करना चाहो वैसे कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है यहाँ से, जो यूज में लेना चाहो, कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप सेटिंग से 3D को, 3D इफेक्ट को जैसा भी करना चाहो वैसे आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और ऐसी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। सेम वाला जो ऑप्शन है एकदम सेम टू सेम पिक्चर वाले ऑप्शन जो पिक्चर वाले ऑप्शन में जो आते हैं सारे इसी में आते हैं सेम टू सेम। और यदि आपको यहाँ से भी शेप चेंज करना हो तो ये यहाँ से भी आप शेप चेंज कर सकते हो, और भी शेप बनाना चाहो आप यहाँ से तो बना सकते हो। इसी का शेप को चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज होगा चेंज शेप, और यदि आपको शेप और ऐड करने हो तो ये शेप ऐड भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको यहाँ पर शेप के अंदर नाम लिखना हो तो आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि शेप बनाया अपन ने और इसके अंदर आपको नाम लिखना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट। इस शेप के अंदर कोई सी शेप के अंदर आप नाम लिख सकते हो, राइट क्लिक करना है और उसमें ऑप्शन आ गया ऐड टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे कर्सर आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको कर्सर को जहाँ भी सेट करना हो जैसे बीच में करना हो और टाइप करके यहाँ करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी नाम लिखना चाहो वो यहाँ पे नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल जोशी। साइज बड़ी करनी है तो सेलेक्ट किया, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से अपन साइज बड़ी कर देंगे, जैसे कि ये मैंने साइज बड़ी कर दी। यदि आपको कलर चेंज करना हो यहाँ पे मतलब कलर चेंज कर देंगे ताकि और इजी से यहाँ पे दिख पाए। ये अपन ने नाम लिख दिया जैसे यहाँ पर, तो राइट क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इसके अंदर करना हो तो इसके अंदर भी कर सकते हैं अपन। राइट क्लिक किया ऐड टेक्स्ट, ये यहाँ पे भी अपन नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये राहुल नाम लिख दिया। अब यहाँ पे इसको बीच में लाना हो तो कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे अपन बीच में आ जाएगा, टैब की दबाएंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, या सेंटर अपना ऑप्शन आता है लेफ्ट सेंटर राइट, वहाँ से भी आप सेंटर कर सकते हो, या सेफ स्पेस दबा के भी आप इसको बीच में ले सकते हो। और छोटा बड़ा करना हो तो साइज बड़ी करने, छोटे बड़ी करने तो यहाँ से कर सकते हो। तो शेप का अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना चाहो, यहाँ पर नाम लिखना चाहते हो शेप के अंदर, तो आप राइट क्लिक करके शेप में नाम लिख सकते हो, और यदि आपने पहले ही बना दिया हो और फिर बाद में नाम लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि आपको शेप बनाया हो और उसके अंदर नाम लिखना हो, सी आपने शेप बनाया और इसके अंदर नाम लिखना हो कोई शेप के अंदर, तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक तो यहाँ से अपन नाम लिख सकते हैं, और दूसरा यदि आपने पहले से ही बना दिया नाम लिख रखा हो उसको आपको अंदर लेना हो, जैसे कि मैंने यहाँ मोहन नाम लिख दिया, अब इसको मेरे को शेप के अंदर लेना है तो आप शेप के अंदर ले सकते हो, इसके ऊपर भी शेप बना सकते हो, जैसे कि ये शेप बना दिया मैंने। अब शेप के पीछे चला गया ये वर्ड, शेप उसके ऊपर बन गया, अब शेप के पीछे चला गया, ऊपर लाना है तो यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे अपन ने सेलेक्ट कर रखा है शेप को ड्रॉइंग टूल्स का ऑप्शन ओपन हो गया, और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग जाएंगे और यहाँ से अपन यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये बिहाइंड टेक्स्ट पिक्चर को थ्रो करने वाला ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन, और यदि आपको ऊपर लाना हो जो पीछे वो जो वर्ड छुप गए हैं तो बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये ऊपर आ जाएगा वर्ड। अब यहाँ से आप जो भी कलर वगैरह फिल करना चाहो वैसे भी आप कलर फिल कर सकते हो, पिक्चर ऐड करना चाहो तो यहाँ से पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, जैसे पिक्चर ऐड करना चाहो वो पिक्चर ऐड कर सकते हो। नाम की साइज छोटी बड़ी करनी हो तो होम में यहाँ छोटी बड़ी अपनी कर सकते। तो पिक्चर में नाम यहाँ पर सेव के अंदर नाम लिखना दो तरीके, राइट क्लिक करके एटेक्स कर सकते हैं, या अपन यहाँ इसको नाम लिख दें पहले फिर उसको सेव बना के फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट रैपिंग के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ से आप ऊपर नाम भी ले सकते हो वापस। ये सारे जो ऑप्शन है शेप के अंदर ऑप्शन आता है, तो अपन ने सारा अपने सीखा शेप को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी का मुंह कैसे करते हैं, और यदि अपन को यहाँ पर नाम वगैरह लिखना हो शेप के अंदर तो नाम भी लिख सकते हैं, शेप के अंदर पिक्चर फिल कैसे करते हैं, आउटलाइन चेन शेप करना हो चेन शेप भी कर सकते हैं। ये तो अपन शेप की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। सेम टू सेम शेप जैसे होता है स्मार्ट आर्ट भी, इसमें पहले से ऑलरेडी शेप बने होते हैं, जैसे भी आपको बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो, पहले से बने बनाए आते हैं इसके अंदर, तो आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी हो वो आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट बना आ रहा है पूरा, यहाँ पे आप इसके अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहो डाल सकते हो, जैसे कि मेरे को यहाँ पे संडे मंडे ये लिखने हैं तो अपन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने सन, ये संडे लिख दिया यहाँ पर, जैसे कि फिर यहाँ पर अपन को
यहाँ पे लिखना है मंडे, तो ये मंडे, तो ये अपने एक तरह से आपको कोई अगर टेम्पलेट वगैरह बनाने हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है फॉर्मेटिंग। ये ऐसे आप लिख सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे आप लिख सकते हो इन पर। ये आप यहाँ पर अगर से टेम्पलेट बना रहे हो और आपको कोर्स के बारे में लिखना है, जैसे किसी को यूनिवर्सिटी के बारे में बना रहे हो यहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और फिर जहाँ जो भी कोर्स कराती है यूनिवर्सिटी वो सब सारे कोर्स यहाँ पर नाम लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो MBA MCA PGDCA, जो भी कोर्स कराती है यहाँ पर सारे कोर्सों के नाम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे कोई डिटेल आपको शो करनी हो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से तो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। यहाँ लिखने के बाद में यदि आपको यहाँ से चेंज कलर करना हो तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है चेंज कलर, यहाँ से आप चेंज कलर भी कर सकते हो। जैसे भी आप कलर में चेंज कर से यहाँ सेट करना हो से आप सेट कर सकते हो। सारे कलर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आप चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से स्मार्ट आर्ट में आप कोई भी सूचना प्रदर्शित करना चाहते हो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से, या तो आप सूचना प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे और भी है स्मार्ट आर्ट, यदि आपको इनमें चेंज करना हो स्मार्ट आर्ट को तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट चेंज कर सकते हो। राइट, बस इसमें केवल प्रिंट निकालने जो होते हैं आपको यहाँ पर शेयर करना नहीं करना पड़ेगा। एक बेनिफिट इसका ये सबसे ज़्यादा है, जैसे आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट बनाने हो तो ऑलरेडी बना बनाया है यहाँ पे, यदि आपको यहाँ पे एक एक स्मार्ट आर्ट को बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 5 शेप बनाने पड़ेंगे, यदि मेरे को यहाँ बनाने थे 5 शेप बने हुए हैं ऑलरेडी, तो बार बार आपको शेप बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पर शेप बने हुए हैं, बस यहाँ पर केवल नाम लिखने की होती है आपको। यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर छोटा बड़ा करना, तो रूल वही कोई जो शेप के अंदर है, छोटा बड़ा करने के लिए एरो आता है तिरका एरो, और अगर इसको मूव करना है तो ये प्लस निशान है, यहाँ से आप प्लस निशान से मूव कर सकते हो। कहीं भी मूव करना हो तो ये प्लस निशान मूव कर सकते हो, और छोटा बड़ा यहाँ से अपन कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे इसके अंदर स्मार्ट आर्ट के अंदर ऑप्शन है, आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट और भी दूसरे स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। जैसे लिस्ट वाले में बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस में भी है यहाँ पे, इनमें से कोई सा भी स्मार्ट आर्ट लेना हो तो सर्कल में भी है। यदि अपन को सर्कल में स्मार्ट आर्ट चाहिए तो सर्कल वाला स्मार्ट आर्ट भी आ जाएंगे। जैसे कि अपन को सर्कल में कोई चीज़ दिखानी हो दिखा सकते हैं, जैसे संडे आता है फिर मंडे आता है फिर ट्यूसडे आता है वेनेसडे थर्सडे, ऐसे कोई सर्कल में कोई चीज़ बतानी हो तो अपन सर्कल में वाइज भी बता सकते हैं, और इसका फिर अपन प्रिंट निकाल सकते हैं। और कलर चेंज करना हो तो यहाँ से अपन कलर चेंज वगैरह कर देंगे। यदि कलरफुल प्रिंटर होगा तो कलरफुल में ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हो जाएगा। तो अगर स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आपको कोई सूचना प्रदर्शित करनी हो तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट के माध्यम से कोई सूचना प्रदर्शित कर सकते हो। शेप छोटे बड़े भी कर सकते हो आप, शेप ये ऑप्शन आता है, यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट में सारे शेप है उनकी साइज़ सबकी इक्वल है, पहले से ऑलरेडी इक्वल कर रखी है। यदि आप छोटा बड़ा करना चाहो तो आप यहाँ से बाद में भी छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, कोई शेप को बड़ा करना हो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो। तो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से कोई आपको सूचना प्रदर्शित करनी हो तो आप सूचना प्रदर्शित कर सकते हो। ये एक तरह से शेप ही है लेकिन ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी सारी। तो आज की क्लास में अपन दो ऑप्शन देखें शेप्स और स्मार्ट आर्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।